आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब थाने से चंद कदम की दूरी पर नर्सरी में लोगों ने एक युवक का रक्त रंजित शव पड़ा देखा। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। युवक की हत्या की सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को लेकर घटनास्थल की ओर दौड़ लगा दी। युवक के सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार करके निर्मम हत्या की गई थी। मरने से पहले युवक ने अपने बचाव करने के लिए संघर्ष भी किया था, जो क्राइम सीन घटना की जुबानी बयां कर रहा है। पुलिस ने युवक की शिनाख्त 35 वर्षीय सोरन सिंह के रूप में की, जो कि जनपद हाथरस के थाना सहपऊ में रहता था। वर्तमान में एतमादौला क्षेत्र के रामबाग में किराए पर रहता था। वह चांदी व्यापारी के यहाँ नौकरी करता था। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर घटना की पर्दे खोलने के लिए अपनी जाँच शुरू कर दी है। वाला में एक नर्सरी के पास नर्सरी में एक बॉडी मिली है जो कि काफ़ी चोट लगी हुई है उसको। मर्डर संदिग्ध हो रहा है, फॉरेंसिक बुला लिया गया है और जब उस पर भी आ रहा है अभी आज देखिए एक बार शिनाख्त की जाएगी और क्या कुछ उसके साथ कुछ कागज़ वगैरह मिले उसके जेब से कुछ कागज़ मिले लेकिन हमें शिनाख्त नहीं हो पाएगा। कोशिश की जा रही है लेकिन शिनाख्त हो जाएगी और फिर आगे कर रहे हैं। खाने से बिल्कुल नज़दीक ही है ये मगर जो हुआ है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन खाने को अभी किसी की सूचना नहीं है। अभी कोई देखते हैं क्या कहानी कैसे बनी है, अवलोकन कर रहे थे फिर आपको बताते हैं। ठीक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।